स्टेचू ऑफ अहिंसा ऋषभ गिरी का जो स्टेचू है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्टेचू यहाँ पे 108 फीट का वो स्टेचू है। और जो मैं भी पहली बार देखूंगा, मेरे दोस्त लोग वो भी यही देखने के लिए आ रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से आगे और चलेगा 20 किलोमीटर रास्ता मांगी दुंगी का, ये लकड़ी का रास्ता, ये अलग से पूरा सफर है। आप पैदल करना चाहो तो पैदल कर सकते हो, सीढ़ियाँ बनी हुई है। माफ करो दुनिया, माफ करो हमने। गुड मॉर्निंग पीपल, अनदर डे इज हियर। और पिछले कल इतना ज्यादा सफर किया, इतना ज्यादा ट्रैवल किया, इसलिए हम सब लोग थक चुके थे। तो शाम को वापस आ गए सप्तशृंगी से, सीधा गए लापिनोज पे पिज्जा एंजॉय किया। डू चेक आउट लापिनोज सापुतारा, रुपेश चावड़ा कोड यूज करना भूलना मत टू गेट डिस्काउंट राइट। अगर इस कैंप साइट के बारे में आपको पता नहीं है तो डू चेक आउट इनविंसिबल्स का कैंप साइट, ये सापुतारा में आया हुआ। वैसे अगर आप चेक करना चाहते हो सापुतारा में, यू वांट टू स्टे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैंप साइट पे, एक नई लोकेशन पर जहाँ पे मैं खुद पहले बार जा रहा हूँ। नाम है मांगी तुंगी, अच्छा जगह है, मैंने देखा है, फोटोज देखे, रील्स देखे, आपने शायद वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मेरा तो ये पहली बार है कि मैं मांगी तुंगी विजिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा रहता है, हवा की तरफ से जाना है, लेकिन पहले लगाएंगे सीएनजी, सापुतारा जाएंगे सीएनजी लगाएंगे और फिर निकल जाएंगे हवा की तरफ डांग होते हुए मांगी तुंगी। सीएनजी डन, सापुतारा वी विल मीट यू सून, फॉरेस्ट चेक पोस्ट मालेगांव। सापुतारा कैंप साइट से हम लोग आवा की तरफ जा रहे हैं और उस रास्ते पे जो मजा आएगा आपको ज्यादातर नजारों का आएगा, क्योंकि रोड्स इतने प्यारे हैं, नजारे इतने सुंदर हैं। अगर आप मॉनसून में आते हो तो कुछ अलग ही वाइब आएगी। मांगी तुंगी का जो रास्ता है वो डॉन हिल स्टेशन होके ही निकलता है, तो अगर आपको डॉन पता है कि डॉन कैसे जाना है तो आपको मांगी तुंगी का रास्ता भी मिल जाएगा। भाई शांत आवाज आने के रास्ते अखडेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे बाइक लेके, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, यहाँ से बाइक यहाँ पे खड़ी रखी और ये जो रास्ता जाता है वो सीधा आवाज जाता है। अगर मॉनसून में आप यहाँ पे आते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रास्ता रहता है ये। अगर आप आवा से निकलते हो तो आवा एग्जिट करते करते ही नायरा का एक नया पेट्रोल पंप बना हुआ है, जहाँ पे नाइट्रोजन एयर आप फ्री में फिलअप कर सकते हो अपनी गाड़ी में, जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी। ओके सो हियर वी आर एट डॉन हिल स्टेशन का जो गेट रहता है वहाँ पे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा गेट है। अगर आप ऊपर जाते हो तो बहुत ही सुंदर नजारा है। हम जा रहे हैं यहाँ से आगे और चलेगा 20 किलोमीटर रास्ता मांगी तुंगी का। We are entering into Maharashtra right now. Wow. Welcome to Maharashtra. मांगी तुंगी जाने के रास्ते एक ब्यूटीफुल सा लेक भी आता है, उसके नजारे बड़े ही प्यारे। देखो दूर से दिख रहा है ना, थोड़ा नजदीक से देखते हैं। Look at this amazing and beautiful सा view. पीछे की तरफ दो पिनाकल्स दिख रहे हैं, वहां पे भी कुछ है और ये ब्यूटीफुल सा लेक, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस लेक, लेकिन रास्ते में आ रहा था सो बड़ा ही सुंदर लगा, तो रुक गए हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए। माफ करो दुनिया, माफ करो हमने। इट्स इंस्टाग्राम फोटो लोकेशन। आपके ग्रुप को कितना टाइम लगता है फोटो क्लिक करवाने के लिए? क्योंकि मेरे ग्रुप को एटलीस्ट 20 मिनट्स लगा। वैसे जी मैप पे दिखा रहा है ये लोकेशन, आगे जाके बस थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, फिर थोड़ा ऑफ रोड वाला आएगा सर्किट। यहाँ पे अगर आप आओगे तो नक्षत्र होटल यहाँ पे बोर्ड मारा हुआ है, छोटा सा स्वामी बेकर्स है और वहीं से लेफ्ट साइड में रास्ता लगता है इस तरफ का अंदर जाने का। तो आप बोलोगे मांगी दूंगी सुबह से ये बंदा कर रहा है, लेकिन ये जा कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे 108 फीट की जो प्रतिमा है स्टेचू ऑफ अहिंसा ऋषभ गिरी, हम लोग जा रहे हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेचू यहाँ पे 108 फीट का वो स्टेचू है। और जो मैं भी पहली बार देखूंगा, मेरे दोस्त लोग वो भी यही देखने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसा वहां पे रहता है माहौल।
वांगी और तुंगी दोनों अलग अलग चीज अलग अलग है राइट दोनों पिना कल एक यहाँ पे एक और यहाँ पे राइट वो सारा सीढ़ियों से करना पड़ता है सीढ़ी से होके भी और गाड़ी होके भी जाते हैं अच्छा मतलब जो गाड़ी ऊपर लेके जाता स्टेचू तक वही गाड़ी लेके जाएगा आगे वही और मांगी तुंगी करना है तो मूर्ति के दर्शन के उसके बाद तुंगी भी जा सकते हो मांगी और तुंगी पे जा सकते राइट तो मांगी और तुंगी के बीच में कितने स्टेप्स रहते हैं मांगी और तुंगी के बीच में 2000 स्टेप्स है स्टैचू अलग बना है मांगी पहाड़ अलग है और तुंगी पाल अच्छा से एंट्री किया वहां से आके ये वाला गेट लगता है जहां से आपको गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा आगे बात की उसी तरीके से इनका ट्रस्ट का गाड़ी रहता है और थोड़ी सी जानकारी यहां से भी लेते हैं हम अभी ये जो मूर्तियों के पास जाएंगे वहां से भी 6-7 मंदिर है भगवान शांतिनाथ आदिनाथ बलभद्र और कृष्ण भगवान थे ना उसका अंतिम संस्कार हुआ था वहां से बलराम ने मोक्ष में गए थे यहाँ से हाँ वहां से सीता का गुफा है ऐसे प्राचीन सब मुनि यहाँ से चले गए नवेन्द्र करोड़ में तो अंदर तक जा सकते हो वहां से पानी लगे तो वापस आते जाते हैं सब लोग जाने वाले उधर ये बन गए उधर ओके अभी अभी हम कहाँ पे जा पाएंगे अभी ऐसा हो गया सर अभी लेट आए थोड़े 4 बज गए ना सिर्फ अभी लिफ्ट तक गाड़ी जाएगी वहां से 100 सीढ़ी रहती ना लिफ्ट में डायरेक्ट भगवान का दर्शन होगा दिना ओके वहां से उधर जाने के लिए तुंगी है मंगीगिरी तुंगीगिरी प्राचीन ऋषि थे अब वहां से अभी जा नहीं सकते सर ओके राइट तो अभी इधर से उधर जाने के लिए 2000 सीढ़ी ऊपर जाने का एक टिकट लगता है सर हाँ गाड़ी के लिए फ्री पार्किंग है हमारा उधर लिफ्ट है इस सब का मेंटेनेंस करने के लिए ये टिकट लगता है राइट से टिकट का कितना चार्जेस रहता है यहाँ 100 रुपए पर 100 रुपए का टिकट रहता है कुछ इस तरीके से टिकट दिखता है एंड ओके 5 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा पूरा लगेगा ठीक तो ये थी जानकारी यहाँ के बारे में अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गाड़ी में ऊपर जाएंगे और ऊपर आपको दर्शन कराएंगे रास्ता भी दिखाएंगे आपको जाते जाते रास्ता कैसा है ऐसा कुछ गाड़ी दिखता है ये है बोलेरो का कैंपर 5-सीटर कैंपर है और पीछे की तरह कुछ इस तरीके से सिटिंग ओके वहां से ओपन है विल टेक शूट फ्रॉम देयर ये कुछ इस तरीके से हमारा सिटिंग लगा है एंड देखते हैं मजे लेंगे हम इस राइड के गाइस दिस इज क्रेजी ये गाड़ी चल रहा है पूरा रिवर्स में हो गया आज तक ये लोकेशन तक पूरा रिवर्स एक लोकेशन आ गया यहाँ तक गाड़ी पूरा रिवर्स में आया ठीक है This is the सबसे dangerous, सबसे मजेदार ride of my 2022. Thank you. क्या गजब गाड़ी चला है दोस्त गाड़ी जहाँ पे पार्क होता है वहीं से लगते हैं staircase. ये ऊपर वाला जो staircase जा रहा है ना हम भी वहीं पे जा रहे हैं staircase चल के हम लोग यहाँ पे है जहाँ पे लिफ्ट लगता है इसमें लिखा हुआ है एक बार में 8 ही आदमी जाए आप हम लोग तो 5 ही लोग ठीक है 5 की कैपेसिटी इन द लिफ्ट तो दोनों लिफ्ट वैसे साथ में आया ये लकड़ी का रास्ता ओके लिफ्ट से निकलते ही बाहर आपको प्रतिमा देखने को मिल जाती है ऋषभदेव की 108 फीट की वर्ल्ड की हाईएस्ट हाइट वाली प्रतिमा ये मूर्ति के बारे में हम यहाँ के इंजीनियर साहब से जानेंगे कि उनसे मेरी बात हुई और वो बताना चाहते हैं कि कैसे इस मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा और क्या इसका महत्व ज्यादातर है तो सब जानेंगे उनसे सब लोग शांति रखो तो किसको नहीं सुनना तो फिर उधर जाओ हिंदी में बोलता हूँ ये महाराष्ट्र का नासिक जिले में लास्ट गाँव है पूरब में है धुलिया जिला और उत्तर में नंदुरबार जिला और पश्चिम में है गुजरात लगी है 3 किलोमीटर में और ये पहाड़ जो है ये पहाड़ से गया तो 3 किलोमीटर में रोड से गया तो 12 किलोमीटर में गुजरात लगता है तो पहाड़ जो है इसको सह्याद्री बोले ये फक्त 300 फुट आहे त्याच्या वर अजून खूप आहे 2000 सीढ़ी चढावं लागेल हा अजून वर चढाय तर हे 2000 म्हणजे टोटल 3500 सीढ़ी आहे तो ये जो पहाड़ जो है आप जो खड़े है यहाँ से 800 फीट हाइट टॉप था इसका 800 फीट तो आपका जैसा लगता तो छाती पे आ रहा है ये खाली 450 फुट रखा है भगवान के सर के ऊपर 650 फुट काटा है काटने में 20 साल लग गया पहाड़ काटने में मूर्ति बनाने में 3 साल लग गया तो काटने का मशीन वर्ल्ड में पहली बार मैंने बनाया 1,00,000 टन से लेकर 8-10 लाख टन तक वेट का बड़े बड़े पत्थर निकला तो सर के ऊपर 650 फुट जो लूज था तो हार्ड कम था मट्टी था कोई मुरुम था ये सब निकाल के उतना अच्छा पत्थर के बाद उसको बनाया ये पेडेस्टल बनाया पेडेस्टल यानी समझो एक पहाड़ को बनाना समझो और ऊपर का कम से कम 300 लोग खड़ा रह सकते हैं ये जगह बना के प्लेटफॉर्म बनाया जैन धर्म जो जानते हैं उनको मैं बोलूंगा ये
आदिनाथ को 101 पुत्र थे okay. सब प्रतिमा बनाना है तो हम लोग खाली जैन समाज का पैसा लेते हैं अच्छा। दूसरे का पैसा दान में नहीं लेते हैं भी नहीं। हाँ सर का नाम था CR पाटिल और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो है मैं अलग से एक वीडियो डाल रहा हूँ, चैनल पे जाके देख लेना पूरा जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो भी दिक्कत है यहाँ पे और जो भी इन्वेंशन किए इन्होंने वो सब आपको एक अलग वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बाकी मांगी और तुंगी का सफर ये अलग से पूरा सफर है, आप पैदल करना चाहो तो पैदल कर सकते हो, सीढ़ियां बनी हुई है अगर आप गाड़ी में जैसे कि हम लोग आए यहाँ पे लिफ्ट में भी आए तो वैसे आप आना चाहो तो वैसे भी बहुत पॉसिबल है इजीली। बाकी आपको आपको अगर पैदल सफर तय करना है तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 hours टू कम्प्लीट। अगली बार आएंगे तब ट्राई करेंगे इसको स्टेयर से तुंगी वाला भी जो पीक है वो कर पाए, वैसे दूर है थोड़ा सा और यहाँ से मांगी का भी पीक ऊपर लगता है 1000 सीढ़ियां और है यहाँ पे जाने को सुबह 8 बजे 9 बजे। हाँ सुबह यानी 6 बजे तक निकल आएंगे ना, यानी घूमने को जो आएंगे ना तो 6 बजे तक बहुत बढ़िया लगता है। जो ऊपर है वो मांगी है यानी मांगी पे 7 गुफा है, तुंगी है वहाँ पर 3 गुफा है यानी अपने आदिनाथ भगवान के देव स्थापना है। सुबह 8 से 5:30 तक कोई भी आ सकता है और ये सीढ़ी का भी जो सीढ़ी का रास्ता अच्छा। दिख रहा है ये वाला मांगी तुंगी अगर है ना दोनों जगह पे सीढ़ी जाती है वो वाली हाँ। तो यहाँ से ऊपर ये वाला मांगी के लिए और 1000 तुंगी के लिए अच्छा यानी दोनों पहाड़ की 2000 सीढ़ियां ठीक है। तो पिछली बार तो हम पीछे बैठे थे लेकिन आपको आगे के नजारे दिखाऊंगा कि यहाँ पे ड्राइव कैसा होता है, कितना अल्टीमेट ड्राइव करते हैं भाई। तो ये जो 2 दिन का सफर था हमारा मेरे दोस्तों के साथ बहुत ही अमेजिंग सा सफर था, हम लोगों ने सनराइज अटेंड किए, हम लोगों ने सनसेट अटेंड किए, हम मांगी दूंगे आए, हमने यहाँ पे सबसे ऊंची वर्ल्ड की 108 फीट की ऋषभ देव की प्रतिमा भी देखी, हमने CR पाटिल सर से मिले जिन्होंने ये प्रतिमा बनाई थी और बहुत सारी चीजें की उन्होंने जो बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो इस वीडियो को मैं यही पेंड करना चाहूंगा, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर कुछ अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ, नए दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ। दोस्त होते हैं तो ट्रैवल करने का मजा अलग आता है, वरना सोलो निकल जाएंगे, सोलो वाले वीडियो निकालेंगे है ना। चलो तो फिर मिलते हैं।